हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं हरबीर सिंह, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में। तो साथियों, मॉर्निंग न्यूज़ में मैं आज आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट खबरें बताने वाला हूं, तो मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं SSA, तो कल उसकी PRT की मेरिट आ गई है। काफ़ी फ्रेंड्स के क्वेश्चन आए कि TGT की मेरिट आई है या नहीं आई है। तो साथियों, जो PRT की मेरिट अभी आई है, TGT की मेरिट अभी नहीं आई है। जब भी आएगी आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा। इसके बाद कल काफ़ी फ्रेंड्स के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे और मुझे नहीं पता कि उनके मन में क्या चल रहा था। तो वो ये बोल रहे थे कि जो अभी मेरिट है वो 21 को आएगी, आप अभी गलत बता रहे हैं। तो साथियों, आपने कल देखा कि कल मेरिट आ गई PRT की, तो मेरिट कल आई है। तो मुझे नहीं पता कि वो साथी क्यों ऐसा बोल रहे थे, हालांकि मुझे ये लगा कि शायद मेरिट 21 को ही आ रही होगी, मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिली। लेकिन साथियों, जो मेरिट आई थी वो कल ही आई थी। इसके बाद बात करते हैं, जो हरियाणा पुलिस है उसका एग्ज़ाम हुआ था, तो उसकी आंसर की आ चुकी है। अगर किसी साथी ने नहीं देखी है तो देख लीजिए, हरियाणा पुलिस की जो आंसर की है साइट पर आ चुकी है, जो हरियाणा की साइट है, HSSC की जो साइट है, उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद साथियों, बता देना चाहता हूं कि अभी एक अच्छी खबर आ रही है कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी हैं, उन्होंने 50,000 न्यू वैकेंसीज निकालने के लिए कहा है, 50,000 न्यू वैकेंसीज हरियाणा के अंदर। और अगर ये निकलती हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। क्लर्क वगैरह की, टीचर्स की इन वैकेंसीज के बारे में बात हो रही है, हालांकि जो टीचर्स की वैकेंसीज है अभी डिले हो रही हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि वैकेंसी जल्दी आ जाएंगी, लेकिन अभी वैकेंसीज नहीं आई हैं। अभी देखते हैं कितना टाइम और लगाते हैं, अगर टाइम ज़्यादा लगता है तो हमारे जो साथी हैं एक धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। तो उम्मीद यही है कि सारी चीज़ें स्मूथली हो जाएंगी, शायद इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर फिर भी मतलब टाइम लगता है तो आप लोग तैयार रहें। इसके बाद साथियों, जो DSSB के रिजल्ट के बारे में फ्रेंड्स के डेली क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको बता देता हूँ कि जो DSSB के रिजल्ट हैं वो चल रहे हैं डेली, मतलब एक दो दिन में एक दो रिजल्ट आ रहे हैं। और आप टेंशन ना लें, सारी चीज़ें बड़े आराम से हो रही हैं और DSSB इस टाइम बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इतना नहीं, अगर दो चार दिन ऊपर नीचे होता है तो देखो हो जाता है, इसके लिए हम DSSB पर इतना दबाव नहीं देंगे। और अभी देखते हैं क्या होता है, उम्मीद यही है कि डेली एक दो रिजल्ट आते रहेंगे। तो साथियों, इसके बाद बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको SSA की जो मेरिट बनी है उसके बारे में सारी डिटेल चाहिए तो आप, मैंने लास्ट टाइम अभी वीडियो बनाई थी, आप वो देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको ये देखना है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए या ऑफिस कौन सा है, कहाँ पे वो जमा करने, ये सारी चीज़ें जानने के लिए अभी एक दो घंटे बाद मेरी एक वीडियो आ जाएगी, तो आप वो देख सकते हैं। तो साथियों, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।